हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्त, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि Realme ने अपना एक न्यू सीरीज़ लॉन्च किया है, Realme P सीरीज़। इसमें अभी तक दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। पहला तो Realme P1 एंड दूसरा फ़ोन है Realme P2 Pro। एंड इन दोनों स्मार्टफोन के बाद अब फाइनली जाकर Realme ने इसी सीरीज़ का तीसरा फ़ोन लॉन्च किया है, जो कि मेरे पास है Realme P1 Speed। ये बेसिकली ना Realme P1 का सक्सेसर है, थोड़ा मिलता जुलता फ़ोन बनाया है। चलिए सब कुछ शेयर करता हूँ इस फ़ोन के बारे में कि वाकई में ये फ़ोन कैसा है, क्योंकि फ़ोन को मैं 2-3 दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए ना, प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए अनबॉक्सिंग से शुरुआत करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने बॉक्स को पहले से ओपन करके रखा है, क्योंकि फ़ोन को मुझे यूज़ करना था, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ तो अदा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वापस से बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पर बॉक्स को यहाँ पर ओपन करते हैं, तो अंदर की तरफ एक छोटा सा बॉक्स और दिया गया है, जहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिया गया है, यहाँ पर एक सिम पिन दिया गया है और एक बैक कवर दिया गया है। वाइट कलर में बैक कवर है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बट ये बैक कवर ना कुछ दिनों में पीला पड़ जाता है। इसे साइड में रखते हैं। अंदर की तरफ ये रहा हमारा स्मार्टफोन, फ़िलहाल इसे भी साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। यहाँ पर नीचे की तरफ 45 वाट का एक फास्ट चार्जर दिया गया है फ़ोन के साथ में, वो भी Type-A to Type-C का केबल भी दिया गया है। और कुछ तो नहीं है बॉक्स के अंदर, सारी चीज़ों को यहाँ पर साइड में रखते हैं। फाइनली ये रहा स्मार्टफोन, इसका रैपर रिमूव किया गया है यहाँ पर। ओहो, फ़ोन भाई देखने में ना काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में आ रहा है, मतलब फ़ोन को काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फ़ोन का जो फर्स्ट हैंड फील है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और हाथ में कैरी करने के बाद ना फ़ोन एक प्रीमियम सा लुक दे रहा है। बाकी मैं नोटिस कर रहा हूँ ना दोस्त, फ़ोन का जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का बैक पैनल होने की वजह से ना बैक पैनल पे यहाँ पे फिंगर के निशान बिल्कुल भी नहीं आते, मतलब बार बार आपको बैक पैनल साफ नहीं करना पड़ेगा। और ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे ना, बैक पैनल पे ना ब्रश टाइप का कुछ डिज़ाइन दिया गया है। जैसा हम दीवार पे पेंट करते हैं तो जो ब्रश का निशान होता है वो दीवार के ऊपर आ जाता है, सेम वही डिज़ाइन ना यहाँ पर बैक पैनल पे दिया गया है। एंड फ़ोन को यहाँ पर साइड से देखोगे ना, फ़ोन थोड़ा मोटा फील होता है, क्योंकि 7.6 mm की थिकनेस दी गई है। एंड यहीं पर नीचे की तरफ सिम कार्ड स्लॉट, जो कि हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है, मतलब आप एक साथ दो सिम कार्ड, नहीं तो एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड को साथ में लगाकर यूज़ कर पाओगे। और फ़ोन में ना डुअल स्पीकर दिया गया है, एक सिंगल स्पीकर नीचे की तरफ और दूसरा स्पीकर यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया गया है। फ़ोन के स्पीकर के अंदर ना काफ़ी लाउड आवाज़ है एंड क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छा है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ना काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। एंड ये जो फ़ोन आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये मेरे पास 8 128 GB वेरिएंट में है, जिसका प्राइस है 18,000 रुपये के समथिंग। एंड ये फ़ोन 12 256 GB रैम के साथ भी अवेलेबल है, जिसका प्राइस है 21,000 रुपये है। एंड ये जो कलर आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, इस कलर का नाम है टेक्सचर्ड टाइटेनियम कलर। एंड यहीं पे दूसरी साइड में देखोगे पावर ऑफ ऑन बटन, ऊपर वॉल्यूम अप डाउन बटन। एंड यहीं पर ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट है, जो कि हर बार काफ़ी क्विक वर्क कर रहा है। देखोगे जैसे फिंगर को टच कर रहा हूँ ना, फ़ोन काफ़ी फास्टली ओपन हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, हाथ में कैरी करने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा फ़ोन कम्फर्टेबल फील होता है, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा भारी भी नहीं है, केवल 185 ग्राम का वेट दिया गया है। एंड साथ में अब बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो इस फ़ोन के अंदर 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, साथ में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, तो फ़ोन को यूज़ करते समय काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस फील होता है। एंड 2000 निट्स का ब्राइटनेस भी ऐड किया गया है, तो इंडोर के साथ साथ बाहर आउटडोर में भी फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो ब्राइटनेस को लेकर ना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और साइड में यहाँ पर बेजल्स और नीचे की तरफ चिन को भी नोटिस करोगे, तो बेजल्स एंड चिन दोनों काफ़ी ज़्यादा पतले हैं। इस वजह से ना फ़ोन के अंदर जब हम कोई मूवी या वीडियो एंजॉय करते हैं, तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बेस्ट देखने को मिलता है। एंड डिस्प्ले क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पर कलर एक्यूरेशन भी ना काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। एंड साथ में यहाँ पर YouTube के ऊपर कोई वीडियो प्ले करते हैं, तो यहाँ पर YouTube पर ना लास्ट 4K HDR वीडियो का सपोर्ट दिया गया है। एंड किसी भी HDR वीडियो को प्ले करते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना, वीडियो विदाउट किसी जिटर, विदाउट किसी लेग के ना काफ़ी स्मूथली वीडियो प्ले हो रहा है। और डिस्प्ले के साथ साथ बात करें अब कैमरा क्वालिटी के बारे में, बैक साइड में आप नोटिस करोगे ना, जो कैमरे का कटआउट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया है। एक स्मार्ट वॉच का जो डिस्प्ले होता है उससे भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर कैमरे का कटआउट दे दिया गया है। वैसे बैक साइड में डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है। ये थर्ड नंबर पे ना आपको कैमरा लग रहा होगा, बट ये कैमरा नहीं है, ये NFC का सपोर्ट है, लेकिन इसे डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है जिसे देखने में ना कैमरा ही लगता है। बाकी साइड में यहाँ पर फ्लैश लाइट भी दिया गया है। वैसे बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर,
एंड फ्रंट में यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बैक कैमरे के बारे में। यहाँ पर जो भी फोटो हमने बैक कैमरे से क्लिक किया काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आए हैं। यहाँ पर आप नोटिस करोगे लाइटिंग और HDR को फोन काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है। एंड सारे फोटोज के अंदर ना जो कलर मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। फोन ज़्यादा कलर को बूस्ट नहीं कर रहा है, स्किन टोन भी ओरिजिनल है। बाकी यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है बैक कैमरे में, डिटेल काफ़ी बेटर है, मतलब जूम करने के बाद पिक्सल बिल्कुल नहीं फट रहे हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छा शो हो रहा है बैक कैमरे में। और कैमरे में यहाँ पर 2x डिजिटल जूम का सपोर्ट दिया गया है। एक दो फोटो हमने डिजिटल जूम पर भी क्लिक किया, यहाँ पर भी नोटिस करोगे ना डिजिटल जूम पर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फोटो आए हैं। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम भी मैंने नोटिस किया इस फोन के अंदर, यहाँ पर ना पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करते हैं ना अगर दूर सब्जेक्ट है, यहाँ पर देखो मैंने एक दो फोटो क्लिक किया है जिसमें सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा दूर है, तब यहाँ पर ना जो ब्लर इफेक्ट है बैकग्राउंड में वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट आता है, बॉर्डर को भी काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लर कर रहा है। लेकिन यहीं पर मैं आपके साथ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर नोटिस करोगे ना एक फूल की फोटो में क्लिक करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फूल काफ़ी ज़्यादा पास में है एंड फोन ना फूल को यहाँ पर फोकस ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे मिलाजुला का कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट पास में है ना ये फोकस नहीं कर पाता, इसके अंदर फोकस वाला प्रॉब्लम है। बाकी इसी के साथ में हमने कुछ फोटो नाइट के अंदर भी क्लिक किया। अब आप नोटिस करोगे कि जो फोटो हमने बैक कैमरे से क्लिक किया है नाइट के अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी बेटर डिटेल शो हो रहा है, फोन लाइटिंग को भी काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है एंड डिटेल काफ़ी बेटर है बैक कैमरे में। एंड यही सेम चीज़ को आप नोटिस करोगे सेल्फी के अंदर भी, हमने एक दो सेल्फी भी क्लिक किया, सेल्फी के अंदर भी ना नाइट में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, सेल्फी के अंदर भी फोन लाइटिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है। और साथ में यहाँ पर हमने एक दो सेल्फी भी क्लिक किया, सेल्फी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आ रहे हैं, सेल्फी के अंदर भी ना फोन लाइटिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है, HDR भी काफ़ी प्रॉपर तरीके से बैलेंस है, जो कलर मैनेजमेंट है सेल्फी के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, स्किन टोन भी ओरिजिनल शो हो रहा है एंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है सेल्फी के अंदर, मतलब डिटेल काफ़ी बेटर शो हो रहा है। और यहीं पर बात करें वीडियो सेक्शन के बारे में, तो अगर यहाँ पर आप बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर ना बैक कैमरे में 4K 30fps का सपोर्ट दिया गया है लास्ट। एंड यहीं पर सेल्फी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो सेल्फी कैमरे में लास्ट 1080p तक का ही सपोर्ट है। वैसे दोस्त फोन के बैक कैमरे में ना OIS स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट है। ये रहा फोन के बैक कैमरे का वीडियो सैंपल, बैक कैमरे से यहाँ पर 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे ना आज वीडियो थोड़ा बाहर शूट करने आए थे, कुछ शॉट लेना था बाहर का सिनेमैटिक, तो उसे लेने के लिए हम थोड़ा गांव में बाहर आ गए हैं, वैसे यहां से गांव थोड़ा दूर है। एंड दोस्त मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं ना कि बैक कैमरे में 4K 30fps के हिसाब से क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, डिटेल काफ़ी बेटर शो रहा है। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक कैमरे में OIS का सपोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पर नोटिस करोगे चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़ोन काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो को स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है बैक कैमरे में। और यही हाल है फ्रंट कैमरे का भी, फ्रंट कैमरे में जैसे 1080p का सपोर्ट दिया गया है तो यहाँ पर ना 1080p के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, सन मेरे सामने साइड में है, आप नोटिस करोगे यहाँ पर फ़ोन लाइटिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है। और हाँ दोस्त, फ्रंट कैमरे में EIS स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी नोटिस करोगे ना चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने पे ज़्यादा फ़ोन शेक नहीं करता, फ्रंट कैमरे में भी स्टेबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया कि इस फ़ोन को मैं पिछले 2-3 दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ एक्सपीरियंस के लिए, तो बात किया जाए यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, इस फ़ोन के अंदर इनबिल्ड किया गया है ना मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 एनर्जी प्रोसेसर, जो कि प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फ़ोन को यूज़ करते समय मैंने नोटिस किया कि फ़ोन को अगर नॉर्मली भी यूज़ करते हैं ना, फ़ोन के अंदर कहीं पर भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है, फ़ोन कहीं पर भी लैग नहीं कर रहा है। साथ में मैंने कुछ एप्लीकेशन को ओपन करने का ट्राई किया, एप्लीकेशन ना फास्ट ओपन हो रहे हैं, बाकी फ़ोन के अंदर एक अच्छी खासी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एंड मल्टीटास्किंग के साथ साथ मैंने 2-3 दिनों में एक अच्छा खासा गेमिंग भी किया है फ़ोन के अंदर, गेमिंग परफॉर्मेंस ना काफ़ी ज़्यादा बेटर है प्राइस के अकॉर्डिंग, मतलब आप नॉर्मल गेमिंग करते हो 2-3 घंटा उस हिसाब से जज किया जाए ना तो गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर है, गेम खेलते वक्त कहीं पर भी लैगनेस, कहीं पर भी हीटनेस महसूस नहीं होता। बाकी अगर फ़ोन के अंदर BGMI प्ले कर रहे हो तो जो ग्राफिक्स है उसे Ultra HDR पे करके और FPS को अल्ट्रा पे करके गेमिंग कर सकते हैं। एंड साथ में ना फ़ोन के अंदर GT मोड ऐड किया गया है, मतलब आप गेम खेल रहे हो तो इस GT मोड को ऑन कर लीजिए, आपको ना थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। एंड जैसा कि आपको पता है कि ये फ़ोन 5G है, 9 5G के बैंड दिए गए हैं, 5G नेटवर्क पे 200 MB 300 MB/s की स्पीड मिल जाती है। इस फ़ोन के अंदर ना 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है, केवल 4G नेटवर्क को ये सपोर्ट करता है। और एक प्रॉब्लम मैंने और नोटिस किया फ़ोन के अंदर, फ़ोन ना 4G नेटवर्क 5G नेटवर्क पे बहुत बार स्विच होता रहता है, 5G नेटवर्क पे फ़ोन 4G पे स्विच हो जाता है, फिर 5G पे 4G पे 5G पे,
ये सिस्टम इसके अंदर लगा रहता है। एंड जैसा कि रियलमी का फोन है तो यहाँ पर ना अनाउंसमेंट होता है, कॉल रिकॉर्डिंग करोगे सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि आप उसके कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो। बाकी यहीं पर फोन के अंदर जो ऐप एनिमेशन है वो काफी ज्यादा परफेक्ट है, यूआई भी काफी ज्यादा परफेक्ट है, यूआई को काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। और जैसा कि रियलमी का फोन है तो यहाँ पे ना आपको 5-6 एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर मिल जाएंगे जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड फाइनली अब बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी इनबिल्ड की गई है, 45W का फास्ट चार्जर दिया गया है। बैटरी बैकअप काफी ज्यादा अच्छा है। अगर फोन को आप बहुत हार्ड तरीके से यूज करते हो, मतलब फोन को बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो 7-8 घंटे का बैकअप बड़े आराम से मिलेगा। फोन को थोड़ा नॉर्मली यूज करोगे तो हो सकता है 12-13-14 घंटे का बैकअप बड़े आराम से आपको मिल जाए। तो मेरे हिसाब से ना फोन का बैटरी बैकअप काफी ज्यादा परफेक्ट है। सो फाइनली दोस्त, यही थी एक छोटी सी वीडियो इस स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग के ऊपर। अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैंने 2-3 दिन के एक्सपीरियंस को भी शेयर किया आप लोगों के साथ कि वाकई में ये फ़ोन कैसा है। लेकिन मैंने 2 प्रॉब्लम भी नोटिस किया है फ़ोन के अंदर। पहला तो पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करते हैं, सब्जेक्ट बहुत पास में है तो ये फोकस नहीं करता। दूसरा प्रॉब्लम ये है नेटवर्क को लेकर कि ये फ़ोन ना 4G नेटवर्क एंड 5G नेटवर्क पर काफ़ी बार स्विच करता है। तो ये 2 प्रॉब्लम को अपडेट से ही सुधारा जा सकता है। देखो अपडेट कब तक आता है। लेकिन हाँ, इन दोनों प्रॉब्लम को साइड में रख दिया जाए ना तो फ़ोन प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है, आप लोग खरीद सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो। चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर देना। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।